हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर आर्ट अब आपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना पाओगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे बैनर बनाना क्यों जरूरी है, तो आप खुद से देख सकते हो इसमें से कौन सा देखने में प्रोफेशनल लग रहा है। अब आप बोलोगे ये वाला राइट। तो बैनर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ टॉप में 3 डॉट दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इमेज साइज में जाना है और कस्टम में जाकर यूट्यूब चैनल बैनर को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। मैं यूट्यूब बैनर बना रहा हूँ सो उसका साइज यही होता है। आपको ये न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बैनर कलर, उसे लेना सिखाता हूँ। आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक आइकन दिख जाएगा कलर का, इस पे क्लिक करना है, सिंगल कलर पे जाना है, प्लस पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से डार्क ब्लू ले, आप कोई सा भी ले सकते हो। अब इसमें ऐड करूंगा एक बैकग्राउंड, उसके लिए आपको यहाँ इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है और छोटा करके कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। इस बैनर को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट यूज कर रहा हूँ उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ओपेसिटी का, इस पे क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है, अराउंड 14 या 15 रख लेना है। अब बैनर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है साइज की, किसी के फोन में सही नहीं दिखता या पीसी में, तो इसको सही करने के लिए मैं यूज करूंगा एक टेम्पलेट का, जिसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके टेम्पलेट को एड कर लेना है। इस टेम्पलेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजिली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। टेम्पलेट को एड करने के बाद इसे आपको फिंगर से कहीं भी टच नहीं करना है, क्योंकि आपने जरा से भी फिंगर टच की तो साइज इधर उधर हो सकता है और साइज सही से सेट नहीं होगा। इसको फिल करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिलेटिव साइज का, इस पे क्लिक करके आपको इसकी विड्थ और हाइट को फुल 100 कर देना है और डन कर देना है। यहाँ पर बैकग्राउंड में जो ये ब्लैक दिख रहा है ये एडिटिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा कलर का, इसको इनेबल करके एक कलर ले लेना है। मैं यहाँ से येलो ले रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग एक कलर रख लेना है। आपको यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इन सभी लेयर को लॉक कर लेना है ताकि एडिटिंग करते टाइम इधर उधर ना हिले। अब इसमें ऐड करूंगा एक पीएनजी का, इसके लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस पीएनजी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है। इसको छोटा करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसके कलर को चेंज कर लेना है। आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कलर का, इसको इनेबल कर लो और अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर को ऐड कर लो। मुझे ये वाला सही लग रहा है, इसे ले लूंगा और डन कर दूंगा। प्लस पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपने चैनल को लोगों को ऐड कर लेना है और लोगों को कुछ इस तरीके से छोटा करके इसके ऊपर रख देना है। आपको ये ए वाला लोगो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने चैनल का नाम टाइप कर लेना है। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बैनर बना रहा हूँ तो उनके चैनल का नाम टाइप कर लूंगा, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नाम लिखने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है जिस तरह से आपको सही लगे। टाइप करने के बाद आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अपने अकॉर्डिंग एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ये वाला सुटेबल लग रहा है, मैं इसे सेलेक्ट करके डन कर लूंगा। अब फाइनली इसमें एक कलर ऐड करूंगा, मैं एसआर के कलर को चेंज कर दूंगा। इसके लिए आपको एसआर को सेलेक्ट करना है और कलर पे जाकर कलर चेंज कर लेना है। मैं येलो ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर रख सकते हो और इसे भी थोड़ा छोटा करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब इसमें ऐड करूंगा एक पीएनजी का, उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाकर इस पीएनजी को ऐड कर लेना है और छोटा करके कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। अगेन आपको प्लस पे क्लिक करना है और सोशल मीडिया आइकन पीएनजी को ऐड कर लेना है और उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके इसमें एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं फॉलो में यह लिख देता हूँ और इसके फॉन्ट को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने चैनल का हैंडल लिखकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। फाइनली इसमें ऐड करेंगे एक पीएनजी का, उसके लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाकर इस पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसे भी एडजस्ट करके यहाँ पर रख देंगे। अगेन आपको प्लस पे क्लिक करना है और एक यूट्यूब लोगो को ऐड करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब फाइनली एक लास्ट पीएनजी को ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और इस पीएनजी को ऐड करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फाइनली मेरा बैनर रेडी है, इस आइकन पे क्लिक करना है, कस्टम में जाकर हाई क्वालिटी में इसे सेव कर लेना है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना, मैं यहाँ पर हूँ।